मुख्य मार्ग पर रोड के किनारे वर्षों से लगे जूते चप्पल और कपड़ा व्यवसायियों को नगर निगम ने 3 दिन में हटने का नोटिस जारी किया, जिसके बाद फुटकर व्यापारी संघ के सदस्यों ने दुर्ग नगर निगम कमिश्नर लोकेश चंद्राकर से मिलकर उनसे व्यवस्थापन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि इससे पहले भी नगर निगम ने व्यवस्थापन की बात की थी, जब 18 लोगों का व्यवस्थापन किया गया था, जबकि यहां आसपास के एरिया में मिलाकर इंदिरा मार्केट में 100 से ज्यादा फुटकर व्यापारी रोज कमाने खाने वाले हैं, जिनसे यहां 3 दिन से खाली करने से उनके सामने रोजी रोटी की समस्या आ जाएगी। बता दें कि व्यापारियों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट का आदेश है कि उनका व्यापार जहां हो व्यवस्थापन किया जाए। व्यापारियों ने कमिश्नर को सौंपी। वहीं इस मामले में दुर्ग नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि व्यापारियों की मांगों को देखते हुए नगर निगम ने जांच करने के बाद उचित कार्रवाई करने की बात की। अभी इंदिरा मार्केट व्यापारी संघ के आवेदन के आधार पे इंदिरा मार्केट का निरीक्षण किया गया था। माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय कमिश्नर महोदय और निगम के लोग थे, यातायात के लोग थे, अधिकारी थे, और इस दौरान ये देखा गया कि रोड से लगे हुए बहुत सारी गुमटियाँ और दुकानें चल रही हैं, और पूर्व में इनको हटाया भी गया था, ये बात आई। इसके आधार पर उनको नोटिस दिया गया, और तो इन लोग का मांग है कि पूर्व में भी हटाने का जो वो हुआ था उसके खिलाफ़ हम लोग हाईकोर्ट गए थे, और हाईकोर्ट ने इनको कहा कि आप अपने व्यवस्थापन के लिए मांग करें, जिसके आधार पर इन्होंने कलेक्टर को आवेदन किया था पूर्व में। तो उनका यही मांग है कि हमको व्यवस्थापन दिया जाए और उसके बाद हम हटने को तैयार हैं। नगर निगम दुर्ग से तीन 2024 को है ना, वो भी 5 बजे शाम को मिला है। शुक्रवार का दिन था और शनिवार एतवार छुट्टी थी। इनका मानसिकता देखो, इस टाइप का ये नोटिस भेजे है ना, ताकि हम कहीं ना जा सकें। उसके अलावा हमारा 2018 में हमने केस लगाया था है ना, जिसका फाइनल डिसीजन आए 21/5/2020 को है ना। उसमें उन लोगों ने, जज महोदय ने ये आदेश किया था कि आदेश के तीन हफ्ते में इनको नेचुरल मार्केट में, जहाँ इनका व्यापार चल सके, उस जगह में इनको व्यवस्थापन